उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से आज प्रदेश भर में नगर पालिकाओं और नगर निगम में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। 2017 से लगातार खासकर 13 सूत्रीय मांगों और अन्य समस्याओं पर प्रदेश सरकार के साथ शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारियों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर जमकर प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए आज राजधानी लखनऊ के साथ साथ प्रदेश भर में नगर निकाय से जुड़े सभी कार्य भी बाधित रहे, जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने बताया कि आने वाले समय में अगर हमारी मांगों का सरकार और प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो ये सभी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की 13 सूत्री मांग पत्र जो गत 2017 से लगातार इन्हीं मांगों पर लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। सैकड़ों धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, बैठक आदि आदि करने के बाद ये दशा है कि आज हमको एक दिवसीय सांकेतिक रूप में हड़ताल करने का। साथियों, 4 नवंबर को हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को चाहे सरकार को 8 नवंबर को ज्ञापन दिया। उसमें ये बात कहके हम आए थे कि जिन समस्याओं पर सरकार ने सहमति व्यक्त की, अन्य विभागों पर वो शासनादेश इम्प्लीमेंट हो गए। नगर विकास एक ऐसा विभाग है जहाँ उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। जैसे केंद्रीय सेवा निमोल, आज़ादी के 76 साल बीत गए, आज तक अकेले सेवा निभाव नहीं रही। दैनिक वेतन मोर्चा कर्मचारी 2001 से हमारे उन्हीं दैनिक वेतन में काम कर रहे हैं जिनका विलुप्तिकरण ड्यूबलाइजेशन होना पड़ा। इसका शासनादेश 24 फरवरी 2016 को सरकार ने जारी किया और पूरे प्रदेश के सारे विभागों में दैनिक वेतन मोर्चा के कर्मचारी जो है उनको रेगुलर कर दिया। मेरे यहाँ 352 कर्मचारी मात्र पूरे प्रदेश में उनका रेगुलाइजेशन है। पंडित दीनदयाल कैशलेस इलाज की व्यवस्था नहीं, पुरानी पेंशन बहाली नहीं, सैकड़ों पद हमारे खाली हैं, उनका रेगुलाइजेशन नहीं। दैनिक वेतन वर्चा संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जीने लागे वेतन नहीं, ऐसी तमाम जो मांगे हैं जिन पर लगातार हम लोग हिट कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।